हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सोलन जिला में स्वास्थ्य विभाग ने एक अभियान चलाया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की थी। 25 दिनों में स्वास्थ्य विभाग सोलन ने 5,76,000 लोगों तक पहुंचने की सफलता हासिल की, जिसमें से 13 लोगों में लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग सोलन के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है, यदि यह बढ़ जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2024 तक प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं 2025 तक समस्त भारत में टीबी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग लगातार घर घर जाकर कार्य कर रहा है। अभी गत दिनों में समस्त जिला और लगभग सारे प्रदेश में टीबी मुक्त हिमाचल अभियान के तहत हमने सोलन जिला में 2 अक्टूबर से इस मुहिम को समाप्त कर दिया है। 12 सितंबर से इस मुहिम को चलाया गया था। 2 अक्टूबर तक हमने लगभग 5,76,000 के करीब लोगों का घर घर जाकर टीबी के लक्षणों को ढूंढने का प्रयास किया। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको टीबी के लक्षण पाए गए, फिर उनका हमने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद 13 लोग समस्त जिला सोलन में टीबी के पॉजिटिव मरीज भी पाए गए। अब विधि के हिसाब से इनकी दवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। टीबी एक जानलेवा बीमारी साबित हो जाती है अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए। टीबी के इलाज के लिए समाज का हर वर्ग हर समूह अब इकट्ठा हो गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से इसको मिटाने का लक्ष्य 2024 का रखा गया है, अपितु इसके भारतवर्ष में जो टीबी को मुक्त करने की बात की जा रही है 2025 तक। तो भरसक प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्वाधान के निर्देशानुसार हम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कभी भी खांसी रहे, बुखार रहे, जो टूट ना रहा हो, वजन कम हो रहा है, शरीर में गांठें हो रही हैं, या पसीना आता है रात को, भूख कम हो जाना, वजन कम हो जाना, खांसी बुखार का रहना, तुरंत चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि ये टीबी के लक्षण होते हैं और टीबी बहुत आसानी से पूर्ण तरीके से दवाई खाने से शरीर से ठीक हो जाती है। हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सोलन जिला में स्वास्थ्य विभाग ने एक अभियान चलाया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की थी। 25 दिनों में स्वास्थ्य विभाग सोलन ने 5,76,000 लोगों तक पहुंचने की सफलता हासिल की, जिसमें से 13 लोगों में लक्षण पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग सोलन के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है, यदि यह बढ़ जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2024 तक प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं 2025 तक समस्त भारत में टीबी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग लगातार घर घर जाकर कार्य कर रहा है। अभी गत दिनों में समस्त जिला और लगभग सारे प्रदेश में टीबी मुक्त हिमाचल अभियान के तहत हमने सोलन जिला में 2 अक्टूबर से इस मुहिम को समाप्त कर दिया है। 12 सितंबर से इस मुहिम को चलाया गया था। 2 अक्टूबर तक हमने लगभग 5,76,000 के करीब लोगों का घर घर जाकर टीबी के लक्षणों को ढूंढने का प्रयास किया। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको टीबी के लक्षण पाए गए, फिर उनका हमने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद 13 लोग समस्त जिला सोलन में टीबी के पॉजिटिव मरीज भी पाए गए। अब विधि के हिसाब से इनकी दवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। टीबी एक जानलेवा बीमारी साबित हो जाती है अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए। टीबी के इलाज के लिए समाज का हर वर्ग हर समूह अब इकट्ठा हो गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से इसको मिटाने का लक्ष्य 2024 का रखा गया है, अपितु इसके भारतवर्ष में जो टीबी को मुक्त करने की बात की जा रही है 2025 तक। तो भरसक प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्वाधान के निर्देशानुसार हम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कभी भी खांसी रहे, बुखार रहे, जो टूट ना रहा हो, वजन कम हो रहा है, शरीर में गांठें हो रही हैं, या पसीना आता है रात को,
भूख कम हो जाना, वजन कम हो जाना, खांसी बुखार का रहना, तुरंत चिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि ये टीबी के लक्षण होते हैं और टीबी बहुत आसानी से पूर्ण तरीके से दवाई खाने से शरीर से ठीक हो जाती है।